बाकी तो आज तो प्योर मोटो व्लॉग ही होने वाला है, बिकॉज घूमने थोड़ी ना जा रहे हैं, आज तो घर जा रहे हैं, घर आफ्टर 10 डेज। सो व्हाट्स अप, गुड मॉर्निंग गाइस, टुडे इज 20 कौन सा है भाई, 25th ऑफ नवंबर एंड इट्स 6:35 AM और मैं निकल रहा हूँ अभी मुंबई के लिए। सो माया इज कम्प्लीटली लोडेड, यहाँ पर दो सैडल बैग, पीछे टॉप केस और ये भाविन भाई का एक और बैग आया है जो मैं लेके जा रहा हूँ, और यहाँ पर से दिखा रहा है 12 hours 25 minutes। सो होप सो मैं इवनिंग 7 to 8 o'clock तक मैं पहुँच जाऊँ। एंड अभी मेरे को सी ऑफ करने के लिए आए हैं मिस्टर अनीश, मिस्टर अनीश इज़ हियर, ही इज़ कमिंग, कुछ मैं भूल गया हूँ तो वो आ रहे हैं। सो लेट्स गिव अ कोल्ड स्टार्ट। मिला मिला ना, चलो निकला जाए, गुड बाय, मिलेंगे जल्दी, चल आराम से चलो। हाँ ठीक है ना सब, चलिए फिर चला जाए, चल फिर गुड बाय, भाविन भाई को बोल देना निकल गया, ठीक है ना, चल फिर। चल निकलता हूँ, सो गणपति पापा मोरिया। सो प्लेजेंट मॉर्निंग, ये अपना ब्रिज है टू गो फॉर मुंबई। सो टेम्परेचर अच्छा खासा ठंडा है एंड अच्छा डिसीजन हो गया सुबह निकलने का। सो इट्स 6:42 AM एंड इंजन टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेल्सियस। तो समझ जाओ कि बाहर का टेम्परेचर कितना आराम से 25 डिग्री तो होगा ही होगा। सो मैक्सिमम आई विल ट्राई टू कवर माय डिस्टेंस बिफोर 12, बिकॉज आफ्टर 12 तो बहुत गर्मी हो जाएगी हाईवे पे। सो होप सो ऑल गोज वेल। बाकी तो आज तो प्योर मोटो व्लॉग ही होने वाला है, बिकॉज घूमने थोड़ी ना जा रहे हैं, आज तो घर जा रहे हैं, घर आफ्टर 10 डेज। सो इट वॉज गुड ट्रिप, मज़ा आया, जो भी एक्सप्लोर किया अच्छे से किया नहीं किया वो सब आप पे डिपेंड करता है, मैंने तो सिर्फ मेरा काम किया है। सो इफ यू टोटली लव द सीरीज डू गिव अ लाइक एंड कुछ हेल्प लगेगा तो आप बता देना, मैं आपको हेल्प कर दूंगा। सो मिलते हैं सीधा हाईवे पे कुछ देर में। एंड यस, मुझे पानी चाहिए था, मैंने पानी ले लिया, बाजू में शॉप ओपन थी मॉर्निंग में ही, सो वहाँ से मैंने ले लिया है। एंड यू वोंट बिलीव कि मैं सोलो निकला हूँ, मैं अकेले निकला हूँ फ्रॉम गोवा टू मुंबई फ्रॉम आवर ग्रुप। एंड ऐसा कोई टेंशन वाला बात नहीं लग रहा, बिकॉज मेरे सामने सामने अभी मैंने 40-50 राइडर्स को निकलते हुए देखा है, बट आई एम नॉट श्योर दैट दे आर लिविंग फॉर मुंबई एंड और नॉट। ये देखो सब अभी निकल रहे हैं, सो कहाँ निकल रहे हैं वो मेरे को नहीं पता है, MH महाराष्ट्र, सो सब महाराष्ट्र वाले हैं, सो ऐसा कोई टेंशन की बात लग नहीं रही है। बाकी गणपति बप्पा मोरिया, 12 hours 13 minutes टू गो, 7 बजे का टाइम बता रहा है शाम का, लेट्स सी अगर उसको 6 बजे तक कवर कर पाए तो। आई नीड अ पेट्रोल पम्प बिकॉज फ्यूल ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया एंड आई डोंट हैव फ्यूल दैट मच, सो अराउंड 20 to 30 किलोमीटर और चल पाऊँगा। हो फुल फॉगी मॉर्निंग है, रोड खराब है, आराम से। अच्छा वो देख लिया, नहीं तो ये मॉर्निंग के चक्कर में ना आड़े तेड़े ऊपर नीचे हो जाते थे पूरे। आई नीड टू सर्च पेट्रोल पंप कहाँ है। सुबह सुबह ऐसे रोड मिल जाते हैं ना, दिमाग खराब हो जाता है। आई नो इट्स ऑफ रोड बट व्हेन यू आर लगेज लोडेड एंड मॉर्निंग का इतना अच्छा टाइम है,
वो टाइम पे ऐसा हो जाता ना, थोड़ा सा दिक्कत होता यार, और कुछ नहीं। उसको अवॉइड तो कर नहीं सकते, शांति से सहन करके लेते हैं। आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, सो जस्ट द बेस्ट वे टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम इज टू फेस द प्रॉब्लम। वाह वाह वाह, आई गेस आज मंडे है। मंडे मोटिवेशन कोट। ओह, आफ्टर सो मच ऑफ स्ट्रगल, मतलब एफ पे एटलीस्ट 90 तक जाता है एंड एफ पे 85 किलोमीटर तक हो चुका है मेरा। तो सोच लो क्या स्ट्रगल हुआ है। अब मैं फ्यूल भराता हूँ और फ्यूल भरा कर फिर मिलता हूँ आपको, ठीक है। 10 किलोमीटर डिटूर किया हूँ इसके लिए। आई हैड माई चाय ब्रेक, बहुत सारे बाइकर यहाँ पर रुके हुए थे, सो मैं सोचा कि मैं भी रुक जाता हूँ यहाँ पर, तो मैं रुक गया। बहुत सारे मतलब पर एक एक्सीडेंट हो गया। बाइक का ही हुआ है, ही फॉल डाउन, किसी कोई उसको ओवरटेक करके गया। चलो आई होप ही इज सेफ। द बेस्ट लोकेशन फॉर हैविंग ब्रंच, मतलब ब्रेकफास्ट प्लस लंच को मैंने ब्रंच कर दिया है। तो बाइक्स तो बहुत सारी दिखी है बीच में एंड आई हैव क्रॉस्ड लोलापुर एंड यहाँ पर ही विटल गार्मेंट है। सो आई एम डूइंग माय ब्रेकफास्ट प्लस लंच विच इज़ कॉल्ड एज ब्रंच एंड फिलहाल मैं अकेले बैठा हुआ हूँ। सो दीज आर माय गैजेट्स एंड हेलमेट एंड बाकी कोई भी नहीं है। सो विठल कामत हो गया है अपना ब्रंच। अभी बज रहे हैं 12:21। गूगल मैम साहब बोलती है हम लोग पहुंच जाएंगे 8:00 हो गया, आधा घंटा और। कोई नहीं, अब ट्राई करेंगे कवर अप करने का, बिकॉज अब जो है वो नॉन स्टॉप होने वाला है। सो होप फॉर द बेस्ट, चलते हैं और मजे करते हैं, मचाते हैं रोड पे। सो आवर लास्ट फ्यूल स्टॉप, पहले भरवा लेता हूँ उसके बाद बात करता हूँ। सो पूरे आया और टनल नहीं है, ऐसा हो सकता है? खम्बाट की खोदरा, ओ हो, बातों बातों में पता ही नहीं चला कि कब माया ने 20,000 किलोमीटर क्रॉस कर दिए। शिट मैन,
मेरे को रिकॉर्ड करना था 19,000 से करते करते, कोई बात नहीं। टुक ए गन्ना हॉल्ट, सो आई हैव रीच्ड लोनावाला, ऑलमोस्ट रीच्ड लोनावाला। एंड यहाँ से गूगल में सब बोलती है 4 hours 32 minutes 144 kilometers के लिए इतना टाइम लगता है क्या? भाई साहब 6:25 PM और हम लोग पहुँचे हैं तुर्बे, मतलब नवी मुंबई पहुँचे हैं। सो विद इन वन एंड हाफ आवर पहुँचेंगे, कोई 8:30 बजे पहुँचना ही है। आते ही मुंबई ने एक्सपीरियंस दिला दिया अपने गर्मी और ट्रैफिक का। बाप रे, लगेज लोडेड कैसे लेके जा रहा हूँ मेरे को ही पता है, इसलिए मैंने ग्लव्स भी खोल दिया। चलो भागा जाए और सीधा मैं बिल्डिंग में मिलूंगा। सो गूगल मैप साहब, यार क्या एक्यूरेसी है गूगल मैप साहब की, यार 6:08:20 बोला था, 8:15 हो रहा है।